देखा ये क्या है कि कॉमेडियंस जो हैं वो फैसलाबाद पैदा होते हैं, गुजरांवाला पैदा होते हैं, लेकिन आप उकाड़ा में पैदा हो गए। चले आप पैदा हो ही गए तो उकाड़ा में ऐसा क्या था, कुछ थिएटर था, कहाँ से आपको ख्याल आया कि आप एक एक्टर बनेंगे? और सर पैदा नहीं होए, रावी तो एक चील लंघी ओदे मुंह च डिगे ने ते टुर पे ने। बाकी ऐसा हो तो इनू पता ना उथे कलेजी लेके खलोता जी। और सर देखें, ये सारी जो हमारा पाकिस्तान है, ये हमारी धरती माँ है, माँ कुछ भी पैदा कहीं भी कर सकती है। तो उकाड़ा में क्या मतलब, हर जगह पे जहाँ जहाँ फनकार पैदा हुए हैं है तो वो पाकिस्तान का हिस्सा ही है। तो फैसलाबाद हो गए या लाहौर या कितने भी। तो पहला थिएटर आपने कहाँ किया? मैंने उकाड़ा में किया था। अच्छा, फिर कैसा रिस्पांस था? बहुत अच्छा। पहले ड्रामे में मैंने एक एंट्री की थी, मैं वैसे ही ट्रायल बेस पे। अच्छा, तो उसी ड्रामे में मेरी 3 एंट्रियां कर दी। अच्छा, ये बताइए कि ये कब डायग्नोज हुआ कि आप कॉमेडियन बनेंगे? नहीं, डायग्नोज की मतलब को पित्ते च पथरी सी के कब डायग्नोज हुआ? नहीं, पित्ते में पथरी नहीं थी, वो तकरीबन खुद ही पथरी है। नहीं, असल में बाई बर्थ ही था मेरे अंदर थोड़ा सा जुनून, फिल्में देखनी, एक्टरों की नकल करनी। कौन सा फेवरेट एक्टर कौन था आपका फिल्मों में? नहीं, जो उस वक्त थे, क्योंकि मेरी इस वक्त 52 उम्र है। वाह, ओए माशाल्लाह, मुझसे बड़े हैं एक साल। मैंने तो नैसन भट्टी साहब की फिल्में देखी हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में मैंने देखी हैं। तो उसके बाद फिर कलर राय साहब, कायद आजम का जलसा भी आपने अटेंड किया था? नहीं, वो तो हमारे दिल में रहते हैं 24 घंटे। आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, अक्सर ऐसा करते हैं, कोर्ट का कमाल है ये। कॉमेडियन हो ना, बेवकूफ जैसे समझते। अच्छा, ये बताइए कि इंस्पिरेशन क्या थे? हर एक्टर के एक इंस्पिरेशन होती है जिसको देख के वो आइडलाइज करता है, वो कौन थे? मेरी इंस्पिरेशन थी अमानुल्लाह साहब। क्या बात, अमानुल्लाह साहब, नो डाउट। जब मैं लाहौर आया तो अमान साहब के पास गया, मैंने कहा जी मैंने आपका शागिर्द होना है। अच्छा, कहना बेटे आप शागिर्द होना तो अलबेला साहब का हूँ। वाह। मैंने कहा वो क्यों? कहना मेरे उस्ताद भी वही हैं। सब ये बताइए कि सलीम बूटा से सलीम अलबेला तक का सफ़र जो है ये कैसा था? ये मेरा निकनेम था मोहल्ले में, वैसे मेरा नाम मोहम्मद सलीम था। असल में होता है ना, माँ बाप के घर पहला बेटा पैदा होते वो तो देसी लोग होंगे सन, आए नहीं अल्लाह ने तेरे घर बूटा लाता। अच्छा, वो सारे बूटा ही कहने लगे। वो माइया कहंदियां सी अल्लाह ने तेरे घर बूटा लाता ते मेरी भैण हुणे नूं पानी भी लाओ। अच्छा, एडा सुक्का बूटा ते वारा ही नहीं जे खांदा। इहनूं पानी लाओ, इहनूं उठ के दो लाओ। इहनूं ओहनूं या ओहनूं? चलो उठे तो आगे सारे ला दे। अच्छा काशिफ साहब, कहीं आप भी काशिफ अलबेला बनकर ना निकल जाइएगा, क्योंकि आपकी भी 35-36 बोतलें खून की निकल जाएंगी और आपको भी 12 साल भूखा रहना पड़ेगा। वैसे आपस की बात है, काशिफ जैसे तो बहुत से हैं, लेकिन ये अलबेला बनना कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है और मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, मैं तुम सीरियस गल्ला करी जा रहे हो तो सना परेशान है कि लाहौर वाला लंडा पता नहीं किन्ने बजे बंद हो जाता है। अच्छा, ये बताइए सना के कौन सा मीडियम आप पसंद करेंगी, फिल्म, टीवी या थिएटर? आप क्योंकि एक्टिंग करना चाह रही हैं तो मीडियम कौन सा आपको अच्छा लगेगा? अच्छा, मेरा मानना है कि जब टैलेंट है आप में, यू कैन डू मॉडलिंग, एक्टिंग एंड एवरीथिंग, तो फिर आपको सब चीज़ों में काम करना चाहिए। मैं कोई एक चीज़ को लेकर आगे नहीं चलना चाहती, मैं सब चीज़ों में सब हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। अच्छा, आपको लगता है मॉडल्स को टिप लेनी चाहिए हमारे सलीम अलबेला साहब से, क्योंकि जो हड्डियाँ बाहर निकालनी या मुँह पतला सा? मॉडल मॉडल ऐसे ही होते हैं। हाँ, तो मैं भी यही कह रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि सलीम अलबेला हेल्प कर सकते हैं उनके लिए? कर सकते हैं, कोई फेस एक्सरसाइज बता सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं आप अपनी फेस के लिए? क्या करते? मेरा पता है ऐसे क्यों हुआ है? चपेड़ा खा मैं नहीं, एक कदी वज भी जांदी कोई। मैं चाय का काम करता, मेरी कंटीन थी चाय की। अच्छा, तो मैं ना वो चाय बनाता था तो मीठा चेक करता था।